चिराग पासवान के विरोध के तेवर को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पशपति कुमार पारस को कमबैक करा रही है और इसी कड़ी में अमित शाह से प्रिंस राज और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशपति कुमार पारस से तकरीबन 30 मिनट तक मुलाकात हुई चर्चा है कि प्रिंस राज को नीतीश कुमार के कैबिनेट में जगह दी जाएगी यानी प्रिंस राज को मंत्री बनाया जाएगा नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं मैं हुआ आपके साथ बिरजू सिंह भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है कि चिराग पासवान को ज्यादा तवज्जो देकर उसने गलती कर दी क्योंकि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान अपने आप बताते हैं और वही हनुमान राम के फैसलों का लगातार विरोध कर रहे हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के कई फैसलों का विरोध चिराग पासवान अब तक कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि चिराग बहाना ढूंढ रहे हैं चिराग लगातार ऐसे ही नरेंद्र मोदी के फैसलों का विरोध करते रहेंगे क्योंकि चिराग पासवान को ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त कमजोर स्थिति में है ऐसे में जो कहेंगे वो नरेंद्र मोदी मान लेंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति पर काम करनी शुरू कर दी है समय के साथ चिराग पासवान को भी भाजपा ने परख लिया और भाजपा को अपनी गलती का एहसास भी होने लगा है आज की कीजिए लोकसभा का चुनाव चिराग पासवान जो चाहे वो एनडीए के अंदर हुआ चिराग चाहते थे कि जो सीटें हैं लोजपा की रामविलास पासवान की सीटें हैं और वो चिराग पासवान को मिलनी चाहिए वो सीटें मिल गई चिराग चाहते थे कि उनके चाचा कुमार पारस पूरी तरीके से साइड कर दिए जाए वो भी हो गया लेकिन इन तमाम चीजों के मानने के बावजूद भी चिराग आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा रहे हैं और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी अब पशुपति कुमार पारस को भाव देना शुरू कर दी है और खबर है कि अमित शाह से पशुपति कुमार पारस और राज की मुलाकात तो हुई ही और उस मुलाकात में तय हो गया कि प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाया जाएगा अब सवाल है कि प्रिंस राज कैसे मंत्री बनेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि आरजेडी के एम सी, सुनील सिंह की सदस्यता चली गई तो ऐसे में जो बहुमत है वो सरकार के पास भी है सरकार चाहे तो उनके जगह सुनील सिंह के जगह अपने किसी व्यक्ति को भेज सकती है और खबर हमने आपको पिछली बार दिखाया था कि उस सीट पर मनीष कुमार के बेहद करीबी हैं कभी आई अधिकारी हुआ करते थे उनके नाम पर नीतीश कुमार ने मोहर लगा दी है और अधिसूचना जारी होगा तो उस पर वो नॉमिनेशन करेंगे लेकिन अब उसमें पेज फंस चुका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि प्रिंस राज को उस सीट के जरिए विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए और नीतीश कुमार के कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाए मतलब प्रिंस राज को बिहार में मंत्री बनाया जाए और इसी के साथ जो रालोसपा है उसे एनडीए में एक मजबूत स्थिति में लाया जाए ताकि चिराग पासवान पर प्रेशर बनाया जाए चिराग पासवान को बताया जाए कि न सिर्फ अकेले आप हैं बल्कि आपके चाचा भी मेरे साथ हैं बैलेंस करने के लिए पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एनडीए के अंदर एक मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश भाजपा कर रही है अब देखने वाली बात होगी कि क्या नीतीश कुमार उस सीट पर प्रिंस राज को भेजने की अनुमति देते हैं वो मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं क्योंकि चर्चा कई प्रकार की है कि राज्यपाल बनाया सकता है पशुपति कुमार पारस को लेकिन राजनीतिक जो पंडित है वो इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाजपा अब किसी भी हाल में आज के सिनेरियो में वो किसी भी गैर गैर संघी व्यक्ति को या फिर गैर भाजपाई को किसी भी हाल में वो राज्यपाल बनाना नहीं चाहती है इसीलिए पशुपति कुमार पारस को बेशक अभी कुछ न मिले लेकिन उनके भतीजे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान को नीतीश कुमार के कैबिनेट में जगह दी जाएगी और आगे जो विधानसभा का चुनाव होंगे बिहार में उसमें उनकी पार्टी को सीटें दी जाएंगी ताकि वो चुनाव लड़े और उस वक्त ही पशुपति कुमार पारस के बेटे की राजनीतिक तौर पर एंट्री भी हो सकती है और इन तमाम चीजों को लेकर पशुपति कुमार पारस भी राजी हो गए हैं और संभवतः जो खबर है कि अमित शाह से मुलाकात हो ही गई अब जेपी नड्डा और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पशुपति कुमार पारस की मुलाकात होने वाली है लेकिन जो बड़ी खबर है कि प्रिंस राज जो समस्तीपुर के पूर्व सांसद इस बार उनको टिकट नहीं मिला तो ऐसे में वो अब नीतीश कुमार के कैबिनेट में उन्हें जगह देने को लेकर भाजपा जो है वो कोशिश कर रही है भाजपा चाह रही है कि सुनील सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद जो खाली सीट हुई है उस सीट के जरिए प्रिंस राज को विधान परिषद का सदस्य बनाया जाए और नीतीश कुमार के कैबिनेट में उन्हें जगह दी जाए और चिराग पासवान को बताया जाए कि एनडीए में न सिर्फ आप हैं बल्कि आपके चाचा और जो दूसरा गुट है वो भी मजबूत स्थिति में है बहरहाल आपकी क्या राय है आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए